ये मैं राजमा डाल रही हूँ, अच्छी तरह से भून लिया। तो राजमा मतलब आपने भी धो के बस ओवरनाइट? हाँ जी, तो कुछ देर पहले? हाँ जी, तो अलैक्म नाजनी, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आपको मजीद अच्छे अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है राजमा। और ये राजमा कैसे बनेगा, कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, मतलब जैसे कि जो इंडियंस लोग हैं या मतलब अमूमन काफ़ी लोगों को गर्मियों में जो मतलब दाल वगैरह पसंद करते हैं, जिस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और काफ़ी मतलब हमसे कहा भी गया था कि आप हमें ये जो राजमा है बनाना सिखाएं, क्योंकि हम लोगों को पसंद है लेकिन हमें इसकी तरकीब नहीं मालूम कि इसको कैसे बनाएं। तो इसीलिए आज मम्मा ने सोचा कि आपके साथ इस राजमे की रेसिपी को हम लोग शेयर करें। तो ये तरकीब क्या होगी, ये किस तरह बनेगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज और तेल डाल दिया, ये चूल्हे पर रख देती हूँ ब्राउन होने। हाँ जी, ब्राउन होने के लिए ये राजमा है, एक पाव है, दो टमाटर डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, तो फिर इसका मसाला भून के ना फिर छोड़ के ना फिर एकदम लगा देंगे, हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोग सिर्फ पहले प्याज ब्राउन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फर्दर जो से मेरी रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो भी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना, देखिए मज़ेदार से जो राजमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये हल्के हल्के से करने थे, हो गए हैं हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं करने थे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और इसके अंदर वही टमाटर जो हम लोगों ने दोनों डाल दिए हैं। लहसुन अदरक डालने से खुशबू इसकी अच्छी आना शुरू हो गई है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है कि जितना अच्छा आप लोग इसको भूनेंगे अपनी रेसिपी को उतनी ही अच्छी जो है आपकी डिश वो तैयार होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसके अंदर राजमा डाल देंगे, नमक भी इसके साथ ही हम लोगों ने डालना है? नहीं, अभी थोड़ा सा ये भून लेना टमाटर से, इसमें डालते हैं आधा चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच नमक का, जीरा, थोड़ी सी हल्दी। ये स्पाइसी जो हम लोगों ने राजमा के अंदर शामिल करने थे आप लोगों को दिखा दिए, बता दी उनकी मिकदार। और एक बार हम लोगों ने राजमा लिए उसके हिसाब से हम लोगों ने स्पाइसी बताई। अगर आप लोगों ने मतलब ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसी मिकदार को डबल कर सकते हैं। तो अब एक घूंट हम लोगों ने पानी का डाल के अच्छे से भूनना है ताकि जो मसाला है कच्चा से वो बन जाए और जो जायका है वो उसका तैयार हो जाए। और अब इसके बाद फिर हम लोग इसके राजमा सदा दम पर रख देंगे, फिर वो पानी डाल के मतलब पापा को फिर दम पर लगा देते हैं, कुकर लगा देते हैं। ठीक है, तो राजमा मतलब आपने भी धो कर बस ओवरनाइट? हाँ जी, तो कुछ देर पहले? हाँ जी, तो रात को भिगो दिए थे हमने, तब पका लिया। ठीक है, वो इसी मेरे भाई ने मुझे कहा था आप ही पका के बताएं आप राजमा, उनका फोन आया था मुझे, इसलिए मैं पका रही हूँ, उनकी पसंद का वो देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो भी बस आप लोगों की रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने इस रेसिपी को तैयार किया है, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके हमें बस उसके हाथ से पानी डालना है, तो सीटी भी लगा देते हैं बस। तो अब हम लोग इसको कवर करके इसको तकरीबन कितनी देर के रखें, 10 से 15 मिनट के रखेंगे पकने के लिए, ताकि जो राजमा अच्छे से गल जाए। ये जो टमाटर भी अगर फसल है ना वो भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है, हम आपको 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा दिखाते हैं। जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रेसिपी होगी तैयार हमारी, कभी नहीं, अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा तो ना इसे सुखा लेते हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, तो इसका पानी अभी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि मज़ेदार से जो उनसे आज हम लोगों ने तैयार की हैं लोबिया वो कैसे, ओ सॉरी राजमा भी कह देते हैं। हाँ, लोबिया राजमा, तो वो कैसे तैयार है? हरी मिर्च। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं पानी हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया है, रिड्यूस करने के बाद उसकी फाइनल लुक, क्योंकि जो इसका सालन है जो ग्रेवी वो भी थिक हो गई है, और ये देखिए और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट में हम लोगों ने धनिया और हरी मिर्च के अंदर शामिल कर लिया है। तो मामा, हम इसको मतलब फाइनल डिश आउट करने लगे हैं। हम लोग निकाल के दिखाती हूं, आप दिखाएं।
जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और जो सा इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं मसाला, वो अच्छे से हम लोगों ने भून लिया था, इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा बना है। तो आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और आपकी रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने ये जो राजमा बनाने आपको सिखाए हैं, इसको लोबिया राजमा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी उनसे आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो भी मज़ा लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे हम आपके लिए। दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।